हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम श्रिया, और मैं हूँ सोनम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल, बिकॉज अभी पर्पल पे सेल चल रहा था तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स पर्पल से ऑर्डर किए थे जो मुझे आज ही रिसीव हुए हैं, और मैं इसे अनबॉक्स करके आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। लाइक वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं उसका रिव्यू मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं अपना पैकेट ओपन करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं और वो किस तरीके से आया है। तो सबसे पहले तो मुझे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं पर्पल के वो इस तरफ के कार्डबोर्ड के पैकेट में रिसीव हुआ था पैक होकर के, और इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसका पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में रिसीव होने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जितना भी प्रोडक्ट्स हम ऑर्डर करते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हम रिसीव होता है वो सारे सिक्योर रहते हैं, हम उसका टूटने का कम डर रहता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुआ है। वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह के बबल रैप होकर के रिसीव होता है, तो इसका जो पैकेजिंग है वो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, बिकॉज ऐसे अगर बबल रैप होकर के और कार्टून में पैक होकर के हमें कुछ भी सामान मिलता है तो वो ब्रोकन होने के कम चांसेस होते हैं और सेफ और सिक्योर होकर के हमारे पास रिसीव हो जाता है। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ मैं आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ वो है एक वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन ब्लश। ये देखिए, ये पिंक कलर में है, वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन ब्लश है ये, और ये जो है वो पिंक कलर में है। आई थिंक इसका पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, और इसका जो ये देखिए, ये इसके अंदर का है, और इसके साथ में ये छोटा सा ब्रश भी रिसीव होता है इसे अप्लाई करने के लिए, बहुत ही छोटा सा ब्रश है। ये इसके साथ में इसलिए ताकि हम इसे अगर कभी कैरी करें तो हमें एक्स्ट्रा ब्रश अगर नहीं करना है कैरी तो ये भी हमें हेल्प कर सकता है इसे लगाने के लिए। तो छोटा सा ब्रश है, और जहाँ तक इसका पिगमेंटेशन का मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये बहुत थोड़ा ग्लिटरी भी है इसमें, देख पा रहे होंगे आप लाइट पड़ने से कितना ज़्यादा ग्लिटरी लग रहा है। और ये देखिए, इसका जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा वो है, अच्छा सा एकदम लाइट सा पिंक विथ ग्लिटर, बहुत ही अच्छा ब्लश का काम करेगा ये। थोड़ा अगर आप फंक्शन में इसे कैरी करते तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई सा मेकअप आएगा, ग्लिटरी सा, जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छा है। और इसका जो पैकेजिंग है ये भी बहुत ही मस्त है, छोटा सा है, अच्छा है बहुत ही ज़्यादा। सो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था। जो सेकेंड चीज मैंने ऑर्डर किया है वो है गुड वाइब्स का आर्गन ऑयल, बिकॉज आर्गन ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, वो हमारी स्किन को हेल्दी, लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और इसका अगर हम रेगुलर यूज़ करें तो हमारा स्किन एक तो ग्लोई होगा ही होगा, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है हमारा स्किन। हम देख पा रहे होंगे मेरा जो बोतल है आर्गन ऑयल का वो इतना छोटा सा। ये जो आर्गन ऑयल है इसका इसमें प्राइस है 295 रुपीज़, लेकिन मुझे ये डिस्काउंट प्राइस में मिला था, वो प्राइस मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और ये जो आर्गन ऑयल 10 ml का है ये एक ड्रॉपर के साथ में रिसीव हुआ है मुझे, इसके साथ में ये ड्रॉपर मिला है, और इसे अप्लाई करने के लिए ये ड्रॉपर से ही हमें इसे अप्लाई करना होता है। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा आप पतला नहीं है, आप इसको एज अ ड्रॉपर से इसे हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं दिखाऊं, सिर्फ इसका एक ड्रॉप, और ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर हम इसे रेगुलर अपने स्किन पर लगाएंगे ना ये बहुत ही ज़्यादा हमें हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होगा। आप देख पा रहे होंगे हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाता है, और वाइटनिंग और ब्राइटनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये आर्गन ऑयल। और ये जो आर्गन ऑयल है इसके साथ में गोल्ड लीव्स
आर्गन ऑयल विद गोल्ड लीव्स है ये, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप कोई सा भी अगर मेकअप करना चाहते हैं तो मेकअप से पहले भी अगर आप आर्गन ऑयल अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करते हैं तो उससे आपका मेकअप ज़्यादा स्मूथ और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये था दूसरा प्रोडक्ट। जो थर्ड प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था वो है एसक्यू का फाउंडेशन स्टिक। बिकॉज ये एसक्यू का जो फाउंडेशन स्टिक है ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। ये कुछ इस तरह से आता है पैकेजिंग में, और इसका जो इसके मतलब पीछे में स्पंज लगा हुआ रहता है, ये स्पंज होता है ताकि आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। और मेरा जो फाउंडेशन का शेड है वो है फुट साइड अंडर द टेबल शेड 1। मेरा जो शेड है वो शेड 1 है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और लगाने में भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, और मेरे टोन से एकदम मैचिंग है ये वाला शेड। तो ये बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल पिगमेंटेशन वाइज भी ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ये यहाँ से ऑर्डर किया था वो है एसक्यू का लिपस्टिक, एसक्यू का लिक्विड लिपस्टिक। ये जो है ये मैट लिपस्टिक है, और ये जो है मेरा जो शेड है टी पैंस बूजी लिप्स 11। ये पिंक कलर में है और इसका जो लाइक फिनिश है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और ये देखिए ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है और ये स्मज प्रूफ है। आप इसे जिले कितना भी स्मज करेंगे ये स्मज प्रूफ है। आप अगर आप इसको इस यू लगा के पानी वानी भी पीते हैं तो भी ये बाहर नहीं निकलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये वाला लिपस्टिक। और जो लास्ट प्रोडक्ट मैंने वहाँ से ऑर्डर किया है वो है एसक्यू का काजल। बिकॉज एसक्यू का जो काजल है वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही देखिए इसका जो पिगमेंटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ एक स्ट्रोक और बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर में आ जाता है ये। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने पर्पल से अभी रिसेंटली ऑर्डर किए थे, और लाइक मुझे तो सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगे। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स अच्छा लगता है तो आप एक बार जाके उसे ज़रूर चेक करिए। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।